सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ओपन करना है। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जिट का बटन आपको शो होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे कंपनी की लिस्ट में आ जाएंगे, और अगर कुछ भी मॉडिफाई करना है आपको तो F3 प्रेस करके आप इसको मॉडिफाई कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आपको कोई नई फॉर्म ऐड करनी है, ठीक है, सपोज आपने अब एक और कंपनी ओपन कर लिया, उस कंपनी को भी सॉफ्टवेयर से मैनेज करना चाहते हैं, तो उस कंपनी को पहले आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ चार कंपनियां शो हो रही है, ऐसी जब आप बना देंगे तो यहाँ पांचवी कंपनी भी आपकी शो होगी। तो आप वो कंपनी आपको बनानी कैसे, अगर कोई भी आपको नई कंपनी बनानी है, नई फॉर्म ऐड करनी है इसके अंदर, तो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, कभी अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पे आपको नीचे देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा आपको कि F2 से आपको नया ऐड करना है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे F2 प्रेस करूंगा तो देखिए ये अब एक नया फॉर्म ओपन हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है। तो जो भी आपकी कंपनी की डिटेल है वो कंपनी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सपोज कि आपने जो है ना कोई सुपर मार्केट की कंपनी ओपन करी है, तो जो भी उसका नाम है, मान लो ऑनलाइन सुपर मार्ट, ये आपकी कंपनी का नाम है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे सारी चीजें जो है ना आप आराम से इजी वे में देख सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आंसर की तरह आप समझेंगे तो डिटेल को मेंशन कर लेंगे। जैसे कंपनी नेम में आपने अपनी कंपनी का नेम डाल दिया, अब एड्रेस में क्या है कि एड्रेस में आपको अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है, जहां पर भी आपने दिखाया हुआ है इस कंपनी को कि किस एड्रेस पे है। और एड्रेस डालने के लिए भी जो है तीन लाइनें होती है, जैसे इसमें भी जो है ये पहली लाइन है, अगर इसमें एड्रेस ना आए आपका तो दूसरी लाइन में आप डाल सकते हो, अगर इसमें भी ना आए तो तीसरी लाइन में डाल सकते हो। तो कितना भी बड़ा आपका अगर एड्रेस है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको फोन नंबर में फोन नंबर डालना, जो भी उनके मोबाइल नंबर है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ब्रांच कोड अपने आप ही जो है जनरेट हो जाता है, इसको आप बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे। और ये फैक्स नंबर है, पहले का जो चला करता था, अब तो खैर बंद हो गए, अब इसकी जगह पे मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट वगैरह आ गए, तो अगर ये तो होंगे ही नहीं अब किसी के पास, ठीक है। तो ये है वेबसाइट। अब जो कंपनी आप यहाँ बना रहे हैं अगर उसकी वेबसाइट है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, सपोज ईमेल आईडी है onlinestore@gmail.com, तो इस तरह की कोई भी आपकी हो सकता है उस कंपनी की मेल आईडी हो, तो ऐसे आप मेल आईडी को मेंशन कर देंगे। कंट्री आपका इंडिया आएगा और स्टेट आपको सिलेक्ट नहीं करना है, जीएसटी नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिक स्टेट आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अब जो भी आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो, अब ये कंपनी जो है बिजनेस के किस कैटेगरी में आती है, जैसे फार्मेसी में आता है या सुपरमार्केट में आता है, ऑटोमोबाइल में आता है, या बुक स्टोर है आपका ये, ठीक है, जो स्टेशनरी स्टोर वगैरह होते हैं, या फिर FMCG में आता है, या गारमेंट्स में आता है, या होटल, या कोई मंडी, या फिर मोबाइल स्टोर है आपका, तो ये जो है आपको सिलेक्शन करना है बड़े ध्यान से, क्योंकि जो भी आप ये सिलेक्शन कर देंगे उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अंदर कस्टमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपने फार्मा सिलेक्ट कर दिया तो अंदर आपको बैच एक्सपायरी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने सुपरमार्केट कर दिया तो आपको MRP और बारकोड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने मोबाइल कर दिया तो मोबाइल में सीरियल नंबर और EMI नंबर मेंटेन होता है तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, अगर आपने ज्वेलरी कर दिया तो ज्वेलरी में जो भी पॉलिश चार्ज होते हैं, मेकिंग चार्ज होते हैं, ये सब दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपको, और होटल में जो है डेज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, डेज टाइम इस तरीके से। तो ये क्या है, बिजनेस टाइप है, जो सिलेक्शन आप कर लोगे अंदर उसी की तरह उसी के जो भी इसके फीचर्स होंगे ऑटोमेटिक अपने आप ही कस्टमाइज हो जाएगा। हाँ तो अंदर बिल्कुल, उसके लिए क्या है कि अगर आपका बिजनेस ट्रेड जो बिजनेस कंपनी का नाम एक ही है लेकिन उसके अंदर आप दो ट्रेड डीलिंग करते हैं, आप उसमें फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं और ग्रोसरी के प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, तो फिर ये जो है अंदर जाके कस्टमाइज हो जाता है, अंदर जाके आपको कस्टमाइज कराना पड़ता है। बट इसमें भी आपको सिलेक्शन करना है कि प्राइमरी क्या है आपका। अब सपोज कि प्राइमरी जो है आपका फार्मेसी है तो आप यहाँ पे फार्मेसी सिलेक्ट करेंगे तो अंदर आपका ये कस्टमाइज हो जाएगा कि आप सुपरमार्केट के प्रोडक्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसकी बिलिंग कर सकते हैं। और अगर आपका प्राइमरी जो है सुपरमार्केट है तो सुपरमार्केट लेंगे। अब ये प्राइमरी सिलेक्शन का जो रोल है वो ये है कि जो भी आप प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट दिखेगी ज्यादा। जैसे अगर आपका प्राइमरी सुपरमार्केट है तो आपको ज्यादा नीड होगी कि मेरे को सुपरमार्केट के अकॉर्डिंग जितनी भी जो रिपोर्ट्स होती है वो रिपोर्ट आपको दिखे, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट दिखे। तो इसीलिए अगर आप दो ट्रेड के बिजनेस के काम अगर कर रहे हैं एक ही कंपनी के अंदर, तो उसमें आपको जो है उसको सिलेक्ट करना है जो प्राइमरी है आपका, और जो सेकेंडरी है वो सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज जो हम ये कंपनी बना रहे हैं, ये कंपनी आपकी सुपरमार्केट है, तो मैंने यहाँ पे सुपरमार्केट सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये अपने आप इंग्लिश आ जाएगा, और ये आपको सेकेंडरी ही रखना है, सेकेंडरी बैच MRP साइज, ये कह रहा है कि आपको सेकेंडरी स्टॉक में क्या मैनेज करना है। तो सुपरमार्केट में हमें MRP मैनेज करना होता तो, और इसके अंदर MRP है, बैच के बाद देखो MRP है इसके अंदर, तो मैंने ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, वैसे अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है GST नंबर, तो जो भी GST नंबर होगा आपके इसका आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और GST नंबर ये आपके कैप्स में ही होना चाहिए, जैसे अभी मैंने स्मॉल लेटर में कर दिया था, और ये कैप्स में होना चाहिए। अब देखिए GST नंबर अगर आपका गलत होगा
तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा कि ये जीएसटी नंबर गलत है, ठीक है। अब ये ना ये जीएसटी नंबर मैंने गलत मेंशन किया है तो ये गलत है, अगर आपको सही करना है, चेक करना है तो आप चेक करके डाल देंगे। अब हमें तो पता ही गलत, हमने तो उसको यस कर दिया। उसके बाद अगर अगर और भी कोई लाइसेंस है आपके पास, जैसे वैट नंबर है, डीएल नंबर है, या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, एलएसटी नंबर, एसटी नंबर, या फूड लाइसेंस है, तो वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जीरो डिडक्शन, जीरो डिडक्शन आपको डालना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे उसके बाद आता है कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड में तो वही हो गया जिनके पास जीएसटी नंबर है, और कॉम्पोजिशन में वो हो गया इनके पास भी जीएसटी, हाँ बिल्कुल इनके पास भी जीएसटी नंबर होता है, पर इनका टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हर 3 महीने में सेल्स के ऊपर टैक्स भरना होता है। इनको कोई इनपुट नहीं मिलता, कोई रिवर्स चार्ज नहीं मिलता है, इनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स भरना होता है। अब ये भी जो है कैटेगराइज है कि अगर आपका जनरल स्टोर है तो 1% देना होगा, अगर आपका मैन्युफैक्चरर है तो 2% देना होगा, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर है। अब जैसे आपके पास, अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट के मल्टीपल टैक्स हैं और उसी में आपको बिलिंग करनी है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज लेंगे, और ये प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे सेट है बाय डिफॉल्ट। अगर आपका बिजनेस ऐसा होता कि आपके पूरे बिजनेस पे 18% का ही टैक्स लगता है और आपको बार बार जो है HSN बार बार आपको उसके अंदर SGST CGST ना डालना पड़े, तो उसके लिए आप बिल वाइज टैक्स लेंगे। अब बिल वाइज में क्या होगा कि आपको अगर आपके पास 18% का ही अगर आइटम है तो उसका बिलिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास 12% का अगर आइटम है तो आपको 2 बिल बनाने पड़ेंगे, एक 18% जीएसटी का बिल बनाना पड़ेगा आपको, उसके बाद 12 का बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने बिल वाइज कर दिया तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। बट आपका क्या है, आपका तो क्या है ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, तो किसी पे आपका 5% है, किसी पे 12 है, किसी पे 18 है, किसी पे 28 है, किसी पे 0 है, तो आपको प्रोडक्ट वाइज लेना है कि आपने एक ही बार डिफाइन कर दिया कि इस प्रोडक्ट पे इतना जीएसटी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जब भी सेल और परचेज करो ऑटोमेटिक आपका जीएसटी कैलकुलेट हो जाए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये फाइनेंशियल ईयर है। अब जैसे आपने आज जो है कंपनी क्रिएट करी, अब इसमें आपको इस फाइनेंशियल ईयर से ही डेटा डालना है, तो जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेट है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, जैसे कि अभी 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अगर आपका जो है मोटिव ये है कि मेरे को 2019-20 से लेकर डेटा डालना है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम यही सिलेक्शन करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे दो चीजों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि दो चीज जो है आप मॉडिफाई नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर में। एक तो आपका बिजनेस टाइप है, अगर आपने ये गलत ले लिया तो इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसको सेव करने के बाद दोबारा से आप चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो सॉफ्टवेयर अंदर ऑटोमेटिक कस्टमाइज हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा, आप फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का है कि आपने जो फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर दिया तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको ये इस बुक को आपको चलाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कोई पुराना डेटा अगर एंटर करना है तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल ईयर बनाना है। सपोज कि आपको 2019 का डेटा चलाना है इसमें, तो 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर आता है वो 2018 से जुड़ा हुआ आता है। जैसे कि आप 2019 में भी डिपेंड करते हैं कि कब से डेटा चढ़ाना है आपको। अगर मई से चढ़ाना है तो आपका फाइनेंशियल ईयर बनेगा 19-20 का। अगर आपको 2019 में फरवरी का डेटा चढ़ाना है तो आपका फाइनेंशियल ईयर बनेगा 2018-19 का पहले, क्योंकि अप्रैल से पहले जो है वो ईयर काउंट होता है, अप्रैल के बाद नेक्स्ट ईयर काउंट होता है। हाँ, तो अब जैसे कि अगर आपको सपोज कि 2019 के मई से डेटा चढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 01-04-2019, अब ये 2019 ये मई जो है अप्रैल के बाद आ रही है, ठीक है। अगर ये मार्च का होता तो मेरे को 2018 यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता पहले, ठीक है। तो ये करने के बाद अब ये फाइनेंशियल कब तक चलेगा आपका, 20 तक चलेगा, तो 31-3-2020 करना। अब इसमें क्या थोड़ी होगी आपके पास, आपके पास यह थोड़ी होगी कि आप अपने 2019-20 का भी डेटा डाल सकते हो, 20-21 का भी डेटा डाल सकते हो, 21-22 का भी डाल सकते हो, और 22-23 तो चल ही रहा है। अगर आपने 22-23 का जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बना दिया, और अगर आप चाहते हो कि मैं पिछले साल का भी डेटा डाल लूं इसमें, तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर क्या है कि ये फाइनेंशियल ईयर अब आपका आगे जनरेट होगा, अब ये पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो कोई ऐसी कंपनी है कि जिसमें पुराना डेटा आप चढ़ाना चाहते हो, तो फाइनेंशियल ईयर पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब इस पूरी कंपनी क्रिएशन में हर चीज आप मॉडिफाई कर सकते हो, सिर्फ दो चीजें छोड़कर, एक आप बिजनेस टाइप मॉडिफाई नहीं कर सकते, और दूसरा आप फाइनेंशियल ईयर मॉडिफाई नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो। आपसे जीएसटी नंबर गलत डल जाए, ब्रांच कोड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, या डीएल नंबर है, या जनरेक्शन है आपका, ये भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। हाँ, बिजनेस टाइप आप चेंज नहीं कर सकते, और फाइनेंशियल चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, उसके बाद आप इसको एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। अब ये आपका जो ये कंपनी है, ये कंपनी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। अब ये क्या काम कर रही है, यही काम कर रही है कि आपके अंदर जो अभी जैसे हम इसको कंपनी एंटर करेंगे तो उसके अंदर सारी चीजों को इसने कस्टमाइज कर दिया ग्रोसरी के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये हमारी कंपनी थी ऑनलाइन सुपरमार्केट, अब हम इसको एंटर करेंगे फर्स्ट टाइम, इसको नॉट रिक्वायर्ड करना है आपको। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देखोगे अंदर सॉफ्टवेयर में, सारी चीजें जो है आपकी ग्रोसरी के अकॉर्डिंग मैनेज हो गई है।